ओके, दिस इज लेक्चर नंबर 5 ऑफ योर सब्जेक्ट माइक्रोवेव एंड रडार इंजीनियरिंग। एंड मैं इसको पहले भी अपलोड कर चुकी हूँ, मगर कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड है कि थोड़ा मतलब हिंदी वर्जन इसका अपलोड करा जाए, तो मैं इस वजह से हिंदी वर्जन इसका अपलोड कर रही हूँ। तो इसमें हम इंट्रोडक्शन टू माइक्रोवेव डिवाइसेस देखेंगे। जैसे कि हमें पता है कि माइक्रोवेव इंजीनियरिंग डील्स विद द डिजाइनिंग एंड फैब्रिकेशन ऑफ माइक्रोवेव डिवाइसेस आल्सो, मतलब माइक्रोवेव डिवाइसेस बनाना और उनको डिजाइन करने से भी डील करती है। तो इस वजह से हमने अपने यूनिट नंबर 2 में देखा कि जो माइक्रोवेव जनरेशन से रिलेटेड है ये यूनिट, इसके दो पार्ट हैं। एक पार्ट तो माइक्रोवेव ट्यूब से रिलेटेड है और एक पार्ट सेमीकंडक्टर। तो ट्यूब्स में जो हम देखेंगे वो क्लेस्ट्रॉन, रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन, क्रॉस फील्ड डिवाइसेस, मैग्नेट्रॉन हम पढ़ने वाले हैं। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में प्रिंसिपल ऑफ गन, इम्पैक्ट, बाइपोलर ट्रांजिस्टर जैसे मैसफेट, जो गैलियम आर्सेनाइड फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होते हैं। ओके, सो दिस विल बी गोइंग टू डू। यहाँ पे बेसिकली जैसे कि आप देख सकते हैं, लिमिटेशंस ऑफ कन्वेंशनल एक्टिव डिवाइसेस लाइक ट्रांजिस्टर्स और ट्यूब एट माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी। इस स्लाइड में 6 टॉपिक्स दिए हुए हैं जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ। इन 6 पॉइंट से ये साबित होता है कि किस तरह से जो कन्वेंशनल डिवाइसेस हैं, जैसे कन्वेंशनल डिवाइसेस में आ जाते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं जो आपके लोअर फ्रीक्वेंसी में काम करते हैं, जैसे कि आपका फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, मॉसफेट्स, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर बीजेटी, या पीएन जंक्शन डायोड, जो सिंपल पीएन जंक्शन डायोड्स होते हैं, वो लोअर फ्रीक्वेंसी में तो आसानी से काम कर लेते हैं, मगर हायर फ्रीक्वेंसी में जैसे माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी में अगर इन डिवाइसेस को इस्तेमाल किया जाएगा तो उन डिवाइसेस में प्रॉब्लम्स आएगी। जैसे कि प्रॉब्लम क्या क्या आ सकती है, जैसे कि लोअर गेन, ओके, एंड नॉट अ गुड परफॉर्मेंस, ऑप्टिमम परफॉर्मेंस हमें नहीं मिलेगा, गेन रिड्यूस हो जाएगा, और यू कैन सी अ लॉट ऑफ लिमिटेशंस वर देयर। तो वो किस वजह से ये सब होता है, तो ये भी हम इसमें देखेंगे कि वो सिक्स, देयर आर सिक्स मेजर पॉइंट्स, जैसे इंटर इलेक्ट्रोड कैपेसिटेंस है, लीड कैपेसिटेंस है, ट्रांजिट टाइम इफेक्ट है, गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट, स्किन इफेक्ट, डाइइलेक्ट्रिक लॉस, ये सारे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं, इन वजह से, इन सभी वजह से ही हमारे जो कन्वेंशनल डिवाइसेस हैं माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी फेल हो जाते हैं। तभी क्या नीड आती है, ये नीड आती है कि माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसीज के लिए हम अलग तरह के डिवाइसेस को डिजाइन करें जो माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसीज में अच्छे से काम कर सकें। ठीक है, तो दिस इज द रीजन why we choose means to design to work for different types of devices in microwave frequency. Next slide. The first point, as we have seen, is the inter-electrode capacitance. व्हाट इज इंटर इलेक्ट्रोड कैपेसिटेंस, मैंने पहले भी बताया था कि किसी भी तरह का बीजेटी डिवाइस हो या थ्री टर्मिनल डिवाइस हो जिसमें कि एक गेट होता है, जैसे कि आप यहाँ भी देख सकते हैं ये गेट है, एक आपका ड्रेन होगा या कलेक्टर होगा और आपका एक सोर्स होगा जो कि एमिटर होगा। तो इन तीनों टर्मिनल एक पैरेलल प्लेट ऑफ कैपेसिटर आपस में म्यूचुअली एक्ट करते हैं, और बिकॉज इन तीनों टर्मिनल में अलग अलग वोल्टेजेस होते हैं, हमेशा जो एमिटर या सोर्स होता है वो एक नेगेटिव पोटेंशियल में होता है, जो आपका बेस होता है वो हमेशा
वेरिएबल पोटेंशियल डिपेंड करता है इनपुट वोल्टेज आपने क्या दिया है, जो ट्रांजिस्टर को कट ऑफ और सेचुरेशन के बीच में स्विच कर रहे हैं उस हिसाब से रहता है। और जो कलेक्टर रीजन या फिर हमारा ड्रेन रीजन है वो हमारा हमेशा हायर पोटेंशियल में रहता है। तो इस तरह से करंट ड्रेन से सोर्स या हम बोल सकते हैं कलेक्टर टू एमिटर फ्लो करती है और आउटपुट करंट होती है वो। तो इस तरह से हम देख सकते हैं बिकॉज ऑफ द डिफरेंट वोल्टेजेस एट द टर्मिनल ऑफ द ट्रांजिस्टर यू कैन सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वोल्टेजेस अमंग देम। सो दे एक्ट एज अ प्लेट ऑफ द कैपेसिटर बिकॉज इन अ प्लेट इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हाट इज द कंडीशन कंडीशन इज द प्लेट्स there should be metallic and there should be enter certain distance between them, उनके बीच में एक डिस्टेंस होना चाहिए जो d कहलाता है small d, और बीच में कोई dielectric medium होगा। तो यहाँ हम air assume करते हैं by default, तो एक parallel plate capacitor जैसा act करने लगते हैं ये। जैसे कि आप देख सकते हैं this is the capacitance between the gate and cathode CGK से उसको डिनोट किया गया है। कैथोड बोले एमिटर बोले सोर्स बोले सभी एक ही चीज होती है, कभी कभी CGS से भी इसको डिनोट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एनोड या फिर पी टर्मिनल बोल रहा है और गेट के बीच का जो कैपेसिटेंस है CPG भी बोल सकते हैं इसको, इसको CDG भी बोलते हैं यानी ड्रेन से गेट का कैपेसिटेंस, और यहाँ ड्रेन और सोर्स के बीच का या फिर हम बोले ड्रेन और एमिटर के बीच का जो कैपेसिटेंस है वो आपका सी पी के या फिर सी डी सी डी एस भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये तीन तरह के गेट, तो ये मतलब ड्रेन टू सोर्स कैपेसिटेंस, ड्रेन टू गेट कैपेसिटेंस एंड गेट टू सोर्स कैपेसिटेंस, ये तीन कैपेसिटेंस जिनसे जिनको हम इलेक्ट्रो इंटर इलेक्ट्रोड कैपेसिटेंस कहते हैं, ये आपके मतलब होते हैं हर डिवाइस में एंड दे आर वर्चुअली प्रेजेंट, ओके। बट इनका इफेक्ट लोअर फ्रीक्वेंसी में इतना नहीं होता है बिकॉज लोअर फ्रीक्वेंसी में हमें मालूम है कैपेसिटिव रिएक्टेंस काफी हाई होगा, तो ये कैपेसिटेंस लगभग यहाँ ओपन सर्किट रहेंगे। ओपन यानी दे आर फिजिकली नॉट प्रेजेंट, तो दे आर नॉट मेकिंग एनी डिफरेंस टू योर सर्किट because they are open. And as the frequency increases, the value of the capacitive reactance, the value of these capacitive reactance decreases because the capacitive reactance and frequency are inversely related to each other. दोनों में inversely relation हो सकता है, होता है। और यहाँ आप formula में भी देख सकते हैं, xc is equal to 1 upon 2 pi x. तो इस तरह से आप ये मान सकते हैं कि बहुत हाई अगर फ्रीक्वेंसी है जैसे माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी है तो ये कैपेसिटेंसेस का क्या होगा, ये बेसिकली शॉर्ट सर्किट जैसा एक्ट करेंगे, कैपेसिटिव रिएक्शन बहुत कम हो जाएगा। और डेफिनेटली अगर गेट्स आपका गेट सोर्स से शॉर्ट हो जाए या ड्रेन सोर्स से शॉर्ट हो जाए, शॉर्ट सर्किट हो जाए, या फिर आप बोल सकते हैं कि आपका जो ड्रेन है वो ये सोर्स से मतलब कोई सभी तीनों में से कोई भी शॉर्ट सर्किट हो जाए तो अल्टीमेटली रिजल्ट क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज भी जीरो हो जाएगा और इनपुट करंट भी जीरो हो जाएगा क्योंकि शॉर्ट सर्किट के थ्रू करंट सारा ग्राउंड हो जाएगा। यहाँ से जैसे कोई करंट आ रहा है तो शॉर्ट सर्किट के थ्रू ग्राउंड हो जाएगा और ये कोई भी करंट डिवाइस के अंदर नहीं जाएगी, अगर डिवाइस में कोई चेंजेस आएंगे और अगर वोल्टेज अगर कोई इनपुट में दिया है यहाँ पे शॉर्ट है तो डेफिनेटली वो वोल्टेज सोर्स भी शॉर्ट सर्किट ही एक्ट करेगी, तो डेफिनेटली इट विल नॉट एबल टू ड्राइव योर डिवाइस। अल्टीमेटली आपके डिवाइस का रिजल्ट ये रहेगा कि कोई गेन वो प्रोवाइड नहीं करेगा आपके सिग्नल को और सिग्नल लॉसेज होंगे और नॉइजेज होंगी और परफॉर्मेंस डिवाइस डिग्रेड हो जाएगा। अल्टीमेटली जो आप उससे रिजल्ट चाहते हैं वो आपको मिलेंगे, ओके। तो बेसिकली अगर आप माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसीज में
इस तरह के डिवाइस को यूज करना चाहते हैं तो होना क्या चाहिए? डेफिनेटली अगर आपको कैपेसिटर का रिलेशन पता है, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन ए अपॉन डी, ओके। तो अगर आप डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स बढ़ाते हैं तो कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या हो जाती है? कम। तो डेफिनेटली अगर यहाँ फ्रीक्वेंसी आप बढ़ा रहे हैं तो कैपेसिटेंस को उसी दर से आप अगर कम कर देते हैं तो एक्सी आपका चेंज नहीं होगा, यानी एक तरह से अगर वो पहले उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा थी तो ज्यादा ही रहेगी। तो इस ऐसा करने से बेसिकली आपको बहुत ज्यादा बड़ा डिवाइस चाहिए। अगर बहुत ज्यादा बड़ा डिवाइस डिजाइन करेंगे तो डेफिनेटली आप आईसी नहीं बना पाएंगे उसकी। आईसी में हमें बहुत छोटे छोटे डिवाइसेस चाहिए होते हैं, काफी डेंसली कॉम्पैक्ट वो रहते हैं, डेंसली पॉपुलेटेड रहते हैं, हाई डेंसिटी होती है उनकी, यानी एक 1 इंच या 1 से 2 सेंटीमीटर की चिप में लाखों ट्रांजिस्टर होते हैं। तो बेसिकली इट इज वेरी डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए कि आप बहुत बड़ा डिवाइस बनाएं टू कंपनसेट द इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी सो दैट द कैपेसिटेंस जो है आपका कम हो जाए। तो बेसिकली इसके अल्टीमेटली कुछ हासिल नहीं हो पाएगा, उल्टा ही आपका डिवाइस का जो हार्डवेयर है वो बढ़ेगा, डिवाइस का हार्डवेयर बढ़ेगा और आपको बड़े बड़े आईसी या फिर मतलब जैसे पहले बहुत बड़े बड़े टीवी हुआ करती थी, सीआरटी बेस्ड होती थी, जैसे बड़े बड़े फोन होते थे, हर चीज हार्डवेयर बहुत ज्यादा बल्की होता था, मगर आजकल बहुत ज्यादा लाइट वेट और ऐसा हार्डवेयर चल रहा है। तो इस तरह से हमारा डिवाइस की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ये सब बढ़ेगी। तो दिस इज अल्टीमेटली नॉट द सोल्यूशन। तो बेसिकली हम अवॉइड करेंगे जनरली जो डिवाइस होते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस उनको माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसीज में यूज करने के लिए, हमें इन्हें अवॉइड करना। तो ये लीड इंडक्टेंस और स्ट्रे इंडक्टेंस आपके डिवाइस में जो भी लीड्स होती हैं, इनपुट हो गई, ग्राउंड हो गई, आउटपुट लीड हो गई, तो इन लीड्स में डेवलप होते हैं, ठीक है। ये सीरीज टाइप का एक्ट करते हैं विद इनपुट वोल्टेज, ग्राउंड वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज। तो जैसे इंडक्टिव रिएक्टेंस हमें मान लो फॉर्मूला 2 πfL होता है। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी 0 है या डीसी है तो जो आपका एफएल होगा वो भी आपका 0 होगा। तो मीन्स एक तरह से लीड इंडक्टेंस जो होगा वो शॉर्ट, एक तरह से जो इंडक्टेंस होगा वो शॉर्ट एक्ट करेगा लो डीसी फ्रीक्वेंसी में, और लो फ्रीक्वेंसी अगर है तो भी बहुत लो रहेगा लीड इंडक्टेंस, तो नियरली शॉर्ट एक्ट ही करेगा। तो लो फ्रीक्वेंसी और जीरो फ्रीक्वेंसी में लीड इंडक्टेंस का इतना कोई इफेक्ट नहीं होता डिवाइस परफॉर्मेंस में या गेन में, या आउटपुट वोल्टेज उससे डिग्रेड नहीं होगा या आउटपुट करंट डिग्रेड नहीं होगी, इनपुट का जो भी वोल्टेज करंट होगा प्रॉपरली ड्राइव करेगा सर्किट को और हमें अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। बट एज वी सी कि हमारा जैसे 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 हम माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी में काम कर रहे हैं या फिर बहुत हाई फ्रीक्वेंसी है, तो जो लीड इंडक्टेंस की वजह से जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होगा हाई फ्रीक्वेंसी में वो नियरली बहुत हाई होगा और या तो इन्फिनिटी के बराबर हो जाएगा। तो ये ओपन कर देगा लीड्स को, इनपुट लीड, ग्राउंड लीड या आउटपुट लीड को, तो डेफिनेटली हमारे डिवाइस का परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा डिग्रेड हो जाएगा हाई फ्रीक्वेंसी में, और इस तरह से हमें लो गेन मिलेगा या जीरो जीरो आउटपुट, नियरली जीरो आउटपुट मिलने लगेगा या जीरो करंट आउटपुट मिलने लगेगी, या इनपुट का जो भी करंट और वोल्टेज वो जो भी हमारा डिवाइस है उसको प्रॉपरली नहीं ड्राइव कर पाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि एक डिजनरेटिव इफेक्ट टाइप का डेवलप होगा, डिवाइस की ओवरऑल एफिशिएंसी इफेक्ट करेगी। तो बेसिकली इसका जो सॉल्यूशन है वो ये है, तो जो नॉर्मल या कन्वेंशनल डिवाइस है उनको हम माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी में यूज ना करें, माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी के लिए माइक्रोवेव डिवाइसेस को ही हम इस्तेमाल करें, नहीं तो हमें बहुत सारा परफॉर्मेंस डिग्रेडेशन मिलेगा। नेक्स्ट है ट्रांजिट टाइम। जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ट्रांजिट टाइम इज द टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन टू रीच फ्रॉम कैथोड टू एनोड। फॉर एग्जाम्पल एक पीएन डायोड है, तो
अगर पी एंड आर में एन रीजन में इलेक्ट्रॉन्स हैं और पी रीजन में होल हैं, तो वो पूरा वन साइकिल जो कंप्लीट होती है, इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करेंगे और पी रीजन की तरफ और बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएंगे, अगर डायोड हम फॉरवर्ड बायस करते हैं तो डेफिनेटली हमें ये जो टोटल टाइम इलेक्ट्रॉन को लगेगा टू ट्रेवल, इट्स कॉल्ड द ट्रांजिट टाइम। तो ट्रांजिट टाइम जो होगा, हर किसी का, हर डिवाइस की लिमिटेशन होती है कि जितना भी आपका ट्रांजिट टाइम होगा उसके बाद ही आपको जो भी है रिजल्ट मिलेंगे उस डिवाइस से, यानी करंट फ्लो होना शुरू होगी या बेसिकली आउटपुट मिलना शुरू होगा, ठीक है। मगर अगर हम लो फ्रीक्वेंसी की बात करें तो ट्रांजिट टाइम पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि लो फ्रीक्वेंसी में जो लो फ्रीक्वेंसी का जो सिग्नल हमने दिया है उसका जो टाइम पीरियड है वो ट्रांजिट टाइम से बहुत बहुत ज्यादा होता है, ओके। तो बेसिकली ट्रांजिट टाइम से वो बहुत ज्यादा रहेगा फ्रीक्वेंसी का जो इनपुट सिग्नल का जो टाइम पीरियड है, इस वजह से उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मगर अगर हम फ्रीक्वेंसी बहुत हाई कर देते हैं तो टाइम पीरियड ऑफ दैट हायर फ्रीक्वेंसी इज वेरी वेरी लेस एज कम्पेयर टू ट्रांजिट टाइम, सो दिस विल डिग्रेड द परफॉर्मेंस ऑफ द डिवाइस, बिकॉज एट द टाइम बिफोर द टाइम द डिवाइस जो है आपका आउटपुट बनाने बनाता उतने टाइम ट्रांजिट टाइम के बाद, मगर इनपुट साइकिल बार बार चेंज हो जाएगी पहले ही बिकॉज ऑफ हायर फ्रीक्वेंसी, तो आपको डेफिनेटली जो डिग्रेडेशन मिलेगा डिवाइस की एफिशिएंसी में। बेसिकली हम एक मान के चले, मान लीजिए फ्रीक्वेंसी बहुत लो है, बेसिकली जैसे ट्रांजिट टाइम का आप एक एग्जांपल और ले सकते हैं, मान लीजिए लो फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं जिसका टाइम पीरियड 10 माइक्रो सेकेंड है और आपका ट्रांजिट टाइम है डिवाइस का 10 नैनो सेकेंड, तो डेफिनेटली आप से कोई मतलब उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा डिवाइस की परफॉर्मेंस में। अगर 10 नैनो सेकेंड से कम हो जाएगा सिग्नल के आप टाइम पीरियड, तो आपका डिवाइस का परफॉर्मेंस डिग्रेड हो जाएगा, तो इसलिए आपका ट्रांजिट टाइम इफेक्ट माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी में होता है। बेसिकली माइक्रोवेव डिवाइसेस का ट्रांजिट टाइम जो होगा वो अकॉर्डिंगली बहुत ज्यादा कम होगा, इसका मतलब उस तरह से हम डिवाइस को डिजाइन करेंगे, है ना, या तो उसका कुछ यूज करेंगे ताकि वो डिवाइस का उस हिसाब से कैरेक्टरिस्टिक को चेंज करे, ओके। दिस इज गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट, तो बेसिकली सबको पता है कि गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट कोई भी एम्पलीफायर का, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का कांस्टेंट होता है। अगर आपको गेन बहुत ज्यादा चाहिए तो आपको बैंडविड्थ कम करनी पड़ेगी, ठीक है, और अगर आपको गेन कम चाहिए तो बैंडविड्थ बढ़ानी पड़ेगी। बैंडविड्थ अगर ज्यादा है तो गेन ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी में हमारी बैंडविड्थ बहुत ज्यादा होती है, तो जाहिर सी बात है हमें कम गेन मिलेगा, और अगर हमें गेन को बढ़ाना है तो बेसिकली हमें क्या करना पड़ेगा, बेसिकली वैसे तो गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है, बट क्योंकि बैंडविड्थ पे डिपेंड करता है तो अगर क्यू देखें किसी भी डिवाइस का क्यू एफ अपॉन बैंडविड्थ होता है, अगर फ्रीक्वेंसी आपकी अगर बैंडविड्थ बहुत हाई है तो अपने आप क्यू लो हो जाएगा। इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं कि अगर बैंडविड्थ बढ़ जा रही है तो क्यू आपका लो हो जा रहा है, ठीक है, डिवाइस आपका रिलीज से रिएक्टिव हो जाता है, ओके। जनरली जो नॉर्मल डिवाइसेस होते हैं जो लो फ्रीक्वेंसी में वर्क कर रहे होते हैं तो उनमें बैंडविड्थ कम होती है तो हाई गेन मिलेगा, उन्हीं डिवाइसेस को अगर माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी में यूज करने लगेंगे तो गेन ऑटोमेटिकली आपका कम हो जाएगा। तो बेसिकली अगर कन्वेंशनल डिवाइसेस को आपको माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी में यूज करना है तो आपको गेन से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, और अगर आपके लिए गेन बहुत इंपॉर्टेंट है डिवाइस का तो आपको अलग तरह से डिजाइनिंग करनी पड़ेगी ताकि हमें हायर गेन एट हायर फ्रीक्वेंसी मिल सके। और स्किन इफेक्ट बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है स्किन इफेक्ट का, कि अगर आप डीसी करंट दे रहे हैं किसी वायर का क्रॉस सेक्शन अगर आप देखते हैं वो पूरा का पूरा फ्रॉम द सेंटर टू द सरफेस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा,
डेंसिटी, जो करंट डेंसिटी होगी वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द वायर टुवर्ड्स द और एक्सटेंडेड टुवर्ड्स द सरफेस तक। मगर जैसे जैसे आप देखते हैं सेकंड डायग्राम जो है बीच में यहाँ जो है वो वाइट वाइट बता रहा है, तो ये बता रहा है कि यहाँ करंट डेंसिटी जीरो है ही नहीं, करंट सेंटर पे करंट नहीं फ्लो हो रहा है, थोड़ा सा यानी सेंटर से थोड़ा हटके, ओरिजिन से थोड़ा हटके फ्लो हो रहा है, तो ये थोड़ा हायर फ्रीक्वेंसी या मतलब डीसी से थोड़ी हायर यानी माइक्रोवेव के कंपेरिजन में फ्लो रहेगी, मगर डीसी से बहुत ज्यादा थोड़ी सी हायर है, तो डेफिनेटली करंट अब सेंटर में फ्लो नहीं करेगा। और अगर हम फ्रीक्वेंसी और बढ़ाएंगे तो करंट जो है धीरे धीरे कन्फाइन होता जाएगा स्किन में ही, यानी बस वो स्किन में ही फ्लो होगा वायर की, यानी बीच में सेंटर में उसकी डेप्थ जो होगी वो कम होती चली जाएगी, तो दैट इज कॉल्ड द स्किन डेप्थ। आप देख सकते हैं फॉर्मूला यहाँ लिखा है स्किन डेप्थ का, डेल्टा इज इक्वल टू अंडर रूट रो अपॉन पाई एफ। अगर फ्रीक्वेंसी काफी हाई रहेगी तो स्किन डेप्थ कम रहेगी, स्किन डेप्थ यानी अगर आपकी स्किन डेप्थ ज्यादा है यानी बहुत अंदर तक आपका करंट फ्लो हो रहा है वायर में, और अगर स्किन डेप्थ कम है तो सिर्फ आपका सरफेस में ही फ्लो हो रहा है, तो माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी में क्या होता है सिर्फ स्किन में वायर की करंट फ्लो होता है। बेसिकली स्किन इफेक्ट जो है स्किन इफेक्ट मतलब सिर्फ वायर की स्किन में ही करंट फ्लो हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि पूरा रेडिएट हो जा रहा है एनवायरमेंट में, ओके। और अगर वायर की स्किन में नहीं मतलब अंदर तक करंट है यानी रेडिएशन लॉस कम है, तो ये अगर डीसी में बात करें डीसी अगर सोर्स है तो आपका रेडिएशन लॉस जीरो हो जाएंगे बिल्कुल, अगर धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी बढ़ाती जाएंगे तो धीरे धीरे आपके रेडिएशन लॉस भी बढ़ते चले जाएंगे, माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी में तो बहुत ही ज्यादा रेडिएशन लॉस ही लॉस हो जाएगा, इसी वजह से माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी को वायरलेस कम्युनिकेशन में यूज करा जाता है, ना कि वायर्ड कम्युनिकेशन, क्योंकि वायर में तो कुछ होता ही नहीं, सब स्किन में और बाकी सब एनवायरमेंट में चला जाता है, इसी वजह से इसको वायरलेस कम्युनिकेशन में यूज करते हैं। डाइलेक्ट्रिक लॉस, डाइलेक्ट्रिक जो होता है डाइलेक्ट्रिक कोई मटेरियल होगा जो इंसुलेशन प्रोवाइड करेगा बिटवीन द टू मेटल, डाइलेक्ट्रिक को मॉस्फेट में भी यूज करते हैं ऑक्साइड लेयर बनाने के लिए, और डाइलेक्ट्रिक को कोएक्सियल केबल में भी यूज किया जाता है बिटवीन द कोर एंड द क्लैडिंग या फिर आउटर जो है और शील्ड उसके बीच में। अब डाइलेक्ट्रिक को क्यों यूज करते हैं, ताकि हम अपने सिग्नल के लॉस को रोक सकें, ताकि जो रेडिएशन लॉस है वो कम कर सके, मगर डाइलेक्ट्रिक लॉस माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी में क्या होता है डाइलेक्ट्रिक भी क्रैक हो जाता है, डाइलेक्ट्रिक भी नहीं रोक सकता रेडिएशन लॉस और सारा का सारा सिग्नल रेडिएट होने लगता है एनवायरमेंट में, तो इसलिए जो कन्वेंशनल डिवाइस होते हैं वो हमारा माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी में डाइलेक्ट्रिक लॉसेस प्रोड्यूस करने लगते हैं, डाइलेक्ट्रिक विल गेट डैमेज एट माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी। तो हमने बेसिकली इस चैप्टर में क्या पढ़ा कि माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी बहुत हाई फ्रीक्वेंसी होती है 300 मेगाहर्ट्ज़ से 300 मेगाहर्ट्ज़ तक, कन्वेंशनल डिवाइसेस को अगर इन फ्रीक्वेंसी में यूज किया गया तो डेफिनेटली वो अंडर परफॉर्म करेंगे और लॉसेज होगा सिग्नल एटेन्यूएशन होगा, मगर हायर फ्रीक्वेंसी में अगर हमें डिवाइसेस को यूज करना है तो हमें अलग तरीके से डिवाइसेस और माइक्रोवेव जनरेटर एम्पलीफायर को यूटिलाइज करना पड़ेगा, ठीक है। माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी डिवाइसेस को डिजाइन करना पड़ेगा जो माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी में बहुत अच्छी तरीके से वेल परफॉर्म कर सके, ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस दे सके विदाउट लॉसेस और सिग्नल एटेन्यूएशन। मैं हर वीडियो के बाद अपना ईमेल आईडी दे देती हूँ, कोई डाउट होगा आप मेल के थ्रू पूछ सकते हैं, मूडल में भी लेक्चर लिंक दे दिया जाएगा, ओके, थैंक यू।